channel Study Shibit Pratik 2, and today in our video we are going to talk about DU entrance exam. तो मैंने इस पे क्लैरिफिकेशन बहुत पहले दे दिया था, बट स्टिल चूंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, दे आर पजल्ड दैट ड्यू में एडमिशन जो है वो एंट्रेंस के बेस पे होता है या फिर मेरिट बेस्ड होता है. तो मैं आपको बता दूं, ऐसा 2019 में स्टार्ट किया था दैट यू कैन टेक एडमिशन इन DU ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ योर एंट्रेंस एग्जाम. यस, आई नो दैट कुछ सिलेक्टेड कोर्सेज हैं जिनके लिए एंट्रेंस होता है, बट इसके अलावा जो है कई ऐसे कोर्सेज भी आ गए हैं कि आप एंट्रेंस के बेसिस पे जो है कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं. सो लास्ट टाइम व्हेन आई फिल्ड फॉर्म और आई रजिस्टर्ड फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो उसमें दो ऑप्शन थे, एक तो एंट्रेंस बेस्ड था और एक मेरिट बेस्ड था. तो अगर आप किसी भी कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं एंड यू आर थिंकिंग दैट कि नहीं, मुझे मेरिट बेस्ड नहीं लेना है, मुझे एंट्रेंस के बेस पे लेना है, यस ऑफ कोर्स यू कैन टेक एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ योर एंट्रेंस एग्जाम. तो उसके लिए आपको जो है जब आप रजिस्टर करते हैं उसमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा. बट रिमेंबर वन थिंग दैट अगर आप एंट्रेंस के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं DU में, तो आप मेरिट के बेस पे एडमिशन नहीं ले पाएंगे. और अगर मेरिट के बेस पे लेते हैं तो आप एंट्रेंस के बेस पे नहीं ले पाएंगे. सो नाउ इट्स अप टू स्टूडेंट कि वो मेरिट बेस्ड अपना सिलेक्शन चाहते हैं या फिर एंट्रेंस बेस पे सिलेक्शन चाहते हैं. और ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि हर कोर्स के लिए जो है आपको मेरिट बेस पे ही लेना है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोर्स के लिए आपको एंट्रेंस बेस्ड पे अपना एडमिशन लेना है. एक कोटा फिक्स किया गया है एक्चुअली कि एंट्रेंस के बेसिस पे हम इतने स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे एंड मेरिट के बेसिस पे इतना परसेंटेज. नाउ आई नो दैट आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि DU के रजिस्ट्रेशन जो है वो कब से होने वाले हैं. तो मैं आपको बता दूं, DU के रजिस्ट्रेशन का फिलहाल कोई स्कोप नहीं दिख रहा है और नहीं पता है कि कब होंगे, क्योंकि DU के स्टूडेंट्स के अभी सेमेस्टर एग्जाम भी नहीं हुए हैं जो कि 6 मई को शुरू होने थे, कैंसिल फिर हो गए थे, पोस्टपोन कर दिया गया है. वी डोंट नो कि कब एग्जाम होने वाले हैं, क्योंकि मेरे भी सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम जो है वो अभी अटके पड़े हैं. तो पहली बात ये, इस बार जो प्रोसीजर फॉलो की जाएगी वो सारी ऑनलाइन होगी. लाइक आपको बार बार भागम भागी नहीं करनी होगी कॉलेज में, इधर उधर चक्कर नहीं लगाने होंगे. पहले भी ऐसा नहीं होता था, बट अब कंप्लीटली जो है वो ऑनलाइन हमारी प्रोसेस होने वाली है. सो अगर कोई भी अपडेट आता है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, कब रजिस्ट्रेशन होंगे आपको बता दिया जाएगा. जस्ट रिलैक्स. मुझसे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पूछते रहते हैं DU का रजिस्ट्रेशन कब होगा कब होगा. तो भाई पहले यहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम किया कि सेमेस्टर अगर एग्जाम नहीं कराएंगे तो फिर आगे न्यू एडमिशन कैसे लेंगे. तो जैसे ही मुझे पता चलता है इसके बारे में आई नोटिफाई यू पीपल. टिल द टाइम यू कैन डू वन थिंग दैट लेट मी नो इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट अदर कॉलेजेस और अबाउट अदर यूनिवर्सिटीज, आई विल बी मेकिंग वीडियो फॉर दैट. या बट थोड़ा सा लिमिट में रह के पूछना, पीपल आस्क मी दैट जो मेरे एरिया से रिलेटेड ही नहीं होता है. सो आई कैन जस्ट गाइड यू इन दीज एरियाज, जिस तरह के हमारे वीडियोज आते हैं. टिल द टाइम हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, डू कॉमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गिव योर रिव्यूज एंड योर डाउट्स वट एवर यू आर हैविंग, क्योंकि मैं सारे कॉमेंट जरूर रीड करती हूँ, उन्हीं के बेसिस पे हमारे वीडियोज आते हैं. सब्सक्राइब दिस चैनल स्टडी शिबित प्रतीक 2 फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोज. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में.